ये जी हमारे कैमरामैन है इस ट्रिप के, ये सबकी वीडियो तस्वीरें बना रहे हैं। ये जी हमारा पहला आइसलैंड है जहाँ पर हम रुक रहे हैं। ये इसमें कैब है बेसिकली जो है ना, आ रहे हैं इसके अंदर। अब हमने छोटी छोटी बोट के ज़रिए ना उन कैब को विज़िट करना है, एंजॉय करना है। ओके जी, ये देखें जी ये नज़ारे। ये इस तरह की छोटी सी हम बोट में मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं केव को। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त जी, वेरी नाइस। मज़े जी मज़े। ये जी हम बढ़ते हुए आइलैंड की तरफ, केव की तरफ देख रहे हैं जी। ये देखिए जी, ये हमारा केव का सफ़र देखें आप। छोटी सी बोट से सूरज, क्या ही बात है जी, ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, बहुत ही मज़े की पुरसकून जगह है। क्या ही बात है, क्या मज़ा आ रहा है, यकीन करें बहुत ज़्यादा। देखें जी ये करीब से देखें इन छोटे छोटे आइलैंड्स को, ये देखें इनमें क्या ही गा रहे हैं छोटे छोटे। ये देखें जी बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये अंकल जी तस्वीरें बना रहे हैं बैठ के यहाँ, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी नाइस। देखिए जी टूरिस्ट किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इसको, बहुत मज़े मज़े से। ओके जी, ये जी देखिए हम यहाँ के आइसलैंड एंजॉय कर रहे हैं इस छोटी सी बोट से। ये देखिए छोटी सी एक बोट है, ये मेरे साथ एक इंडियन भाई है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी, ये देखें क्या बात है। गोड़ों में दर्द हो गया, सही लग रहा है ना? अब जाने को मिलता तो कुछ फायदा नहीं है। अब इस केव में दाखिल होते हुए ये देखें जी, इसमें अब बोट दाखिल हो रही है। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, यकीन करें अनबिलीवेबल। अल्लाह पाक ने ज़मीन को कितना खूबसूरत बनाया इंसान के लिए, बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें। सीन देखें क्या ही बात है, बहुत प्यार है।
कुंजो भी कोई तेजो भी वेट कर रहे हैं हम अपने नंबर का, क्योंकि ये लाइन से ही जा रहे हैं और आ रहे हैं लोग तरतीब से, जगह बहुत तंग है, सो इसकी वजह से ये जो देखे हम इसके में दाखिल हो रहे हैं। ओ तेरी क्या अंधेरा है यार, नज़ारे करो भाई लोग, क्या बात है जी, जबरदस्त, क्या यार बिल्कुल ही अंधेरा है, बहुत उम्दा बहुत आला देख रहे हैं जी, ये बिल्कुल अंधेरा है ऊपर, बहुत उम्दा जी, यकीन करें अब तो आंखों को दिखाई भी कम दे रहा है, इतने अंधेरे में आ गए हम लोग, इसके पे आते हुए इतना अंधेरा हो गया यार, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, ये केव है और केव से रोशनी आ रही है यहाँ पर एंड हो रहा है। अब हम मूव करेंगे वापसी की तरफ, हेलो मैन, थैंक यू। ये जी हमारे कैमरा मैन है, ये रहे, ये अलग बोर्ड पे है सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए, क्या बात, अच्छा ट्रिप है जी, अच्छा टूर है आज का। ये देखें अब हम एक घाट को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, क्या बात है जी, बहुत उम्दा, ये देखें जी नज़ारे, देखें वाह जी वाह वाह, बहुत खूबसूरत, यकीन करें अनबिलीवेबल, ये देखें जी ऊपर देखें, आप ऊपर देखें, ये एक केव है और इसके बीचों बीच देखें ये खलासा है, ये आपको जुलाई में दिखा रहा हूँ, ये केव है, देखें देखें जी क्या बात है, नज़ारा देखें, ये चारों तरफ से पहाड़ है खलासा और ये इसका राउंड है, ये देखिए जी ये केव देखिए, खूबसूरत से केव, अब इनसे हम निकलते हुए तेरी सर भी बजाना पड़ता है जी यहाँ पे, ये देखें नाइस मैन, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, यकीन है मज़ा आ गया जी इस टूर में, तो आज फुकेट आने का आज ही मज़ा आया है, ओहो नाइस वेरी नाइस, ये देखें जी इन्जॉय कर रहे हैं नहाते हुए भी कुछ लोग, बहुत जबरदस्त, बहुत, अब
अब हम जा रहे हैं जी अपने स्पीड बोट की तरफ वापसी। तो ये कैब का जो टूर है ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट आइलैंड, जो भी इनका आइसलैंड होगा नेक्स्ट वहाँ लेके जाएंगे हमें, और उसके बाद मेरे ख्याल में हम जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइसलैंड। ठीक है जी, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने मेरे साथ साथ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो निकल के अब अपने मिनी स्टेशन पे पहुँच रहे हैं। ये रही हमारी स्पीड बोट जहाँ पर हम दोबारा सवार हो जाएंगे। देख रहे हैं जी ये सब लोग यहाँ से उतर रहे हैं। ये जी अब हम आए हुए हैं जेम्स बॉन्ड आइसलैंड पे। इस तरह के पहाड़ के ऊपर स्टेप बने हुए चढ़ने के लिए। इस तरह चढ़ गए हम लोग। ये देखें जी क्या खूबसूरत है ये जी देखिए जो हम जिम बॉन्ड आइसलैंड आए हुए हैं। ये देखो ओ ओ मैन, ये अंकल गिर गए ऊपर से चढ़ते उतरते हुए। ओहो ये जी देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है। ऐसे जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ में लगती है ना वो हरियाली है।
ये इतना सख्त और खुश्क पहाड़ होने के बावजूद भी इस कदर हरे भरे हैं, इस तरह जले हुए पहाड़ होके भी इतना हरे भरे हैं। अनबिलीवेबल। ये देखें जी, ये कैवे भी है इसमें, देख रहे हैं जी। एक आदमी गिर गया अभी तस्वीर लेते हुए। ये देख रहे हैं जी, केव है। आए हाय, ये हम इस केव में जा रहे हैं इस केव को देखने के लिए। थैंक यू। देखिए जी किसका बहुत खूबसूरत है ये आइलैंड। क्या कुदरत है मेरे पाक अल्लाह की। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है जी थाईलैंड। और ये थाईलैंड इसको बहुत अच्छे से कैश भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा। अब हम जाएंगे वापसी अपनी बोट की तरफ और वहाँ से नेक्स्ट आइसलैंड। अब जी जा रहे हैं वापसी बोर्ड की तरफ। ये सामने हमारा स्पीड बोर्ड है, इन्होंने टाइम दिया था 12:10 का और 12:10 बजने को हैं, लोग वापसी सवार हो रहे हैं अपनी अपनी बोट पे। नाइस वन। मुस्लिम आइसलैंड है और ये इसी तरह ये सारे का सारा पिलर्स के ऊपर बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। ये पूरे का पूरा ये जजीरा जो है ना, बहुत कम जगह है जो पहाड़ी के ऊपर है, बाकी इस तरह इन लोगों ने इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए, फैलाने के लिए इस तरह इसको बनाया है, देख रहे हैं आप लोग इस तरह बना हुआ है। यहाँ पर जी हमारे टूर का लंच भी है और कुछ ब्रेक भी, उसके बाद हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे जो बड़ी बात है ना मेरे लिए पुरसकून है, वो ये है कि यहाँ पर हलाल फूड मिलेगा, समझे आप लोग, हलाल फूड को एंजॉय करेंगे जी। ये देखें जी, ये इन लोगों ने ये बुफे लगाया हुआ है फूड का। ओके, व्हेन यू गॉट द सीट ना।
ये चीज़ है, मैं लंच लिया है बुफे से। इसमें फिश भी है, चिकन भी, थोड़े से राइस भी। ये देखें जी, ये इस आइसलैंड पर छोटे बच्चों का स्कूल है जहाँ पर बच्चे लेटे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह के स्कूल हैं इनके, क्या माहौल देते हैं बच्चों को। ये सारा एक जज़ीरा है जो मैंने आपको बताया ना कि पिलर्स से बने हुए हैं। जैसे ये सामने पिलर नज़र आ रहा है ना आपको बिल्डिंग में, इसी तरह के सारे पिलर्स हैं नीचे जो समंदर में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर ये जज़ीरा बना है। ये ग्राउंड तक भी इसी पिलर के ऊपर है। देखें आप लोग, ये बच्चे सो रहे हैं जी स्कूल में, यहाँ क्लास हो रही है। ये देखें, ये खूबसूरत से टीचर अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं जी, ये जी एक मुस्लिम जजीरा है। ये आप देखें बच्चों के, आपको लिबास भी बता रहे होंगे लड़कियों के। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी देखें जी सोने की क्लास लगी हुई है। यहाँ पर यहाँ बच्चे क्लास लेते हैं नींद करने की। देखें खूबसूरत से प्यारे प्यारे बच्चे किस तरह से सो रहा है। ये जिसकी बाजार है, ये जो जजीरा है ना जी, सारे का सारा बनाया गया है विनिस। तो फिर भी ये कि जो उसकी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, वो ज़मीन के ऊपर है, समझ गए आप लोग। लेकिन इसका कुछ भी इमारतों के ऊपर नहीं है, ज़मीन के ऊपर नहीं है। ये एक छोटी सी जगह है। ये देखें इस तरह के ये पिलर है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के पिलर भी सब कुछ बना हुआ है। ठीक है जी, ये गलियां हैं इसकी जहाँ घूमते घुमाते आ रहे हैं। देखें जी, इस छोटे से जजीरे पे सिग्नल भी पूरे पूरे हैं, एटीएम भी है, और शॉप पेयर, रेस्टरूम, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। एक छोटा सा होटल है ये। देखें जी, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है ये। यहाँ पर सारी की सारी कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम है। थाईलैंड की ये पहली ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ मुझे हलाल फूड पूछना नहीं पड़ा। उन्होंने पहले ही बता दिया कि सब कुछ हलाल फूड है, सब कुछ जो भी आप खाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ वापसी अपनी बोर्ड की तरफ, क्योंकि उन लोगों ने हमें टाइम दिया था कि 1:30 बजे तक आप लोगों ने आना है। 1:30 बजने अभी 10 मिनट बाकी हैं, एहतियातन थोड़ा सा पहले जा रहा हूँ ताकि रास्ता भूल भाल ना जाऊँ। ये देखें जी, ये इस तरह के ही सारे बना हुआ है पूरे का पूरा जजीरा। हेलो, क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल में मैं इसी तरफ से आया था, ये भी खदशा है कि रास्ता ना भूल जाऊं। हाँ ठीक आ गया जी।
110% ठीक आ गया जी। हाँ देखें जी, वापस आ गया हूँ अपनी बोट की तरफ। यहाँ पर गर्मी बहुत है, पानी के ऊपर ही जजीरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। ये मार्केट है जी, ये जहाँ मैं हूँ एक कैब में, ये गार है, गार में बता रहे थे, देख देख के चल रहे हैं, देख रहे हैं जी। Gracias, señor. ¿Le han dado la baña?